कृतिका यादव और आप देख रहे हैं हरियाणा हलचल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने खनन घोटाले के आरोपों का भ्रम एवं रोजगार श्रम एवं रोजगार मंत्री आपको बता दें कि नायब सिंह सैनी ने इनके आरोपी का खंडन किया है और साथ ही नायब सैनी ने कहा है कि ये आरोप तथ्यहीन और बेबुनियाद है। प्रदेश में कोई खनन घोटाला नहीं हुआ, वर्तमान सरकार में खनन माफिया पूरी तरह इन पर रोक लग गई है और उन्होंने कहा कि 3 सालों में खनन से अब तक 1371 करोड़ रुपए का राजस्व हरियाणा सरकार के खाते में आया है, जबकि पिछले सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल के दौरान 1400 करोड़ रुपए का राजस्व ही आया। सैनी ने कहा कि अशोक तंवर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि खनन घोटाले के जो आरोप लगाए जा रहे थे उसको लेकर श्रम एवं रोजगार मंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि ये आरोप बेबुनियाद हैं, खनन माफिया पर पूरी तरह से रोक प्रदेश में लगी हुई है इस सरकार में। और साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर की ओर से ये आरोप लगाए गए थे और अब नायब सैनी ने इन तमाम आरोपों को नकारते हुए कहा है कि प्रदेश में कोई खनन घोटाला नहीं हुआ है और साथ ही खनन माफिया पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है, ये बात कही है नायब सैनी ने। और साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से ये आरोप लगाए गए थे, अशोक तंवर की ओर से ये आरोप लगाए गए थे कि खनन घोटाले जो हैं वो प्रदेश में खनन घोटाला हुआ है, जिसको अब नायब सैनी ने नकारते हुए कहा है कि प्रदेश में कोई खनन घोटाला नहीं हुआ, खनन माफिया पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है और साथ ही अशोक तंवर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, ये बात भी इस दौरान नायब सैनी ने कही। और हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर केवल ढिंगरा कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका केवल ढिंगरा जी, खबरें अभी तक पर। केवल ढिंगरा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी, बिल्कुल मिल रही जी। है जी। केवल ढिंगरा जी, अशोक तंवर की ओर से बीते दिनों आरोप लगाए गए थे कि प्रदेश में खनन माफिया जो है वो सक्रिय है, खनन घोटाला जो है वो प्रदेश में हुआ है, जिसको अब नायब सैनी ने नकारते हुए कहा है कि गुमराह करने का काम किया जा रहा है। देखिए, अगर उसको ये लग रहा है कि गुमराह करने का काम किया जा रहा है तो उसके तथ्य पेश करें। आप ये देखिए कि बीजेपी के एमपी धर्मवीर सिंह जो भिवानी के एमपी हैं, वो खुद प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखते हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि कंपनियां जो है वो डाटा घोटाले में 5000 करोड़ के करीब का घोटाला कर चुकी है। तो ये तो बीजेपी के एमपी खुद ही चिट्ठी लिख रहे हैं, इसमें नायब सैनी अपनी बात कहां से लेके आए? जब बीजेपी के एमपी ये लिख रहे हैं कि कंपनियां जो है गड़बड़ कर रही है, तो नायब सैनी कौन सा फिर उसमें से क्लैरिटी पा लेंगे? नायब सैनी को अपनी स्थिति क्लियर करनी चाहिए। नहीं, उन्होंने जी ये लोग सारा जो है इनका जो काम है वो सारी क्लैरिटी पे आ रहा है जी। ये अब जो बचते हुए बचने के तरीके ढूंढने में ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, असल में इनके खुद के एमपी जो है वो खुद ही चिट्ठी लिखते हैं कि कंपनियां जो है घोटाले कर रही हैं और उन कंपनियों के पीछे कौन है इसका हाथ पता लगना चाहिए जी। हमारे साथ क्लैरिटी बाहर निकल के आएगी जी। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता संजय शर्मा भी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। स्वागत है संजय शर्मा जी आपका, खबरें अभी तक पर। जी धन्यवाद जी। संजय शर्मा जी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर की ओर से आरोप लगाए गए थे खनन घोटाले के, जिसको नायब सैनी ने नकारते हुए कहा है कि ये पूरी तरह से प्रदेश की जनता में भ्रम पैदा करने के लिए जो है उन्हें गुमराह करने के लिए इस तरह की बात कही जा रही है। केवल ढिंगरा जी बोल रहे हैं कि अब बचने का कोई और तरीका नहीं है, इसलिए इस तरह की बात जो है वो जो है बीजेपी के मंत्रियों की ओर से बोली जा रही है। देखिए अवंतिका, कांग्रेस के लोगों के पास आज कोई मुद्दा नहीं है सरकार के खिलाफ जी, और केवल आरोप के लिए आरोप लगाना। आपके पास तो प्रमाण है आरोपों के पक्ष में, तो आप दीजिए ना जी। ये सरकार ट्रांसपेरेंसी से काम करने वाली सरकार है, जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के प्रति। आप दीजिए प्रमाण, चाहे कोई भी व्यक्ति कितना ही बड़ा क्यों ना हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे कोई मंत्री है, चाहे कोई कुछ है, जब कुछ है ही नहीं। केवल मात्र आप अपने राजनीति चमकाने के लिए, केवल कुछ बातों का भ्रम फैलाने के लिए लोगों के बीच में आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आज कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है सरकार के खिलाफ, कोई बात नहीं है, इसलिए तंवर जी इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। आप प्रमाण लेके आइए, सरकार कार्रवाई करेगी जी।
हमारे साथ दलबीर धनखड़, इनेलो प्रवक्ता भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। जी दलबीर जी, संजय शर्मा जी कह रहे हैं खनन घोटाले के आरोप जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर की ओर से लगाए गए थे कि आज कांग्रेस के पास कोई प्रदेश में मुद्दा नहीं है और इसीलिए इस तरह के आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि प्रदेश में क्योंकि बचने का कोई और तरीका सरकार के पास नहीं है इसलिए इस तरह की बात जो है वो कही जा रही है। आप किस तरह से देखते हैं, इनेलो किस तरह से देखते हैं इस मामले को? मैं तो चाहे कांग्रेस हो चाहे इनेलो हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, मैं वो बात बता रहा हूँ, हम सब ने जनता की भलाई के लिए मुद्दे उठाने चाहिए, जनता की भलाई के लिए बात रखनी चाहिए। जहाँ तक सरकार की बात, आज अशोक तंवर पता नहीं कितने शाने कहाँ से हो गए, 10 साल कांग्रेस का राज था उसमें घोटाले जो हुए हैं, मतलब सरकार भी कहाँ सोई हुई हमारी भारतीय जनता पार्टी की, जो उनका घोटाले उनकी सजा मतलब FIR क्यों नहीं कराती, वो भी कोर्ट आदेश कर रहे CBI को आगे, इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा किन किन आरोपों में आरोपित है इनको आगे बढ़ाओ। तो ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों मिली हुई है, एक दूसरे का प्रायवाची है। आज भी कांग्रेस आज भारतीय जनता पार्टी में बैठी हुई है, क्या धर्मवीर चौधरी भारतीय जनता पार्टी में नहीं, क्या इंद्रजीत भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, क्या वीरेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी में नहीं है? तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का तो मेल जोल है, चोली दामन का साथ जिसको बोलते वो है, और ये एक नूरा कुश्ती कर रहे हैं हरियाणा में जी। इनका अस्तित्व ना भारतीय जनता पार्टी का बचा, कांग्रेस तो ठंडी हुई है, कांग्रेस का तो कहीं साइकिल सवारी चल रही है, कहीं रथ यात्रा चल रही है, कहीं रथ का पहिया टूट जाता, कहीं साइकिल की हवा निकल जाती है। क्षेत्रवाद मुद्दे इनके पास नहीं, खनन घोटाले के जो आरोप लगाए जा रहे हैं दलबीर जी, खनन घोटाले के जो आरोप लगा रही है इनेलो का क्या कहना है इसके ऊपर? हाँ बिल्कुल, घोटाले बिल्कुल हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का पाक साफ है, तो अपनी बात रखे ना साफ, सब तो आरोप ना बढ़े, जितना आरोप लगाए उस पर आरोप ना लगाए, अपने आप को साफ साबित करे। और जहाँ तक मैं तो पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र से, जब हम शोर मचाते थे प्रदेश को कर्जे में डबो दिया, आज भारतीय जनता पार्टी कह रही है जैसे सरकार में आने के बाद डबल कर्जा कर दिया हरियाणा के ऊपर। संजय शर्मा जी, बहुत छोटा सा जवाब इसका। देखिए मैं इनकी बात का क्या जवाब दूं, इनेलो के पास आज कोई बात नहीं कहने के लिए, कोई आरोप अगर लग रहा है तो आरोप में कोई प्रमाण भी देगा ना, केवल आरोप के लिए आरोप लगाना। हमने हरियाणा को विकास की किस सीमा के ऊपर लेकर गए, आज काम दिख रहा है हरियाणा में होते हुए, अगर सवाल उठ रहे हैं, अगर सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं तो इसकी जांच जो है वो होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया संजय शर्मा जी, बहुत शुक्रिया दलबीर धनखड़ जी, केवल ढिंगरा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए खबरें अभी तक के साथ में।